हम बनाएंगे गाजर का अचार। जैसे आप सभी जानते हो गाजर है जो जाने वाली है, तो गाजर को क्यों हम खाना छोड़े, तो हमने सोचा क्यों नहीं गाजर का अचार बनाएं और इनको ज़रूर खाएं। गाजर बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हमने धो के इनको धो लिया था एक बार, फिर इनको छील लिया, फिर छील के फिर हमने एक और बार धो लिया था इनको। और अब हम करेंगे इनकी कटिंग, तो कटिंग को हम बताते हैं किस तरीके से करनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 पीस कर लिए एक गाजर में से, और ये देखिए 1 पीस में से हम 4 पीस कर लेंगे गाजर के। ये देखिए इस तरीके से हमें कटिंग करनी है, ये देखिए अचार बनाने के लिए। और गाजर को आप अपने अचार जैसे खाना पसंद करें जैसे आप काट सकते हो, तो मैं तो इस तरीके से काट रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी गाजरों को काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी गाजरों को मैंने काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लिया था, और यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल दिया है। और अब डाला है इसमें नमक। नमक से क्या होगा, मिठास है जो गाजर की बिल्कुल चली जाएगी। और इसको हिला लेंगे एक बार नमक डालने के बाद में, और अच्छे से हिलाना है हमें। ये देखिए पानी छोड़ेगी गाजर एक बार नमक डालने के बाद में, ये देखिए बिल्कुल मिठास निकल जाएगी इसको नमक डालने के बाद में। और तो गाजर का अचार बनाने के लिए देखिए मैं पे यहाँ पे लिए कुछ मसाले, हींग, और यहाँ पे लिए मैंने अजवाइन और जीरा और राई, सौंफ, और यहाँ पे 2 लौंग और काली मिर्ची पाउडर, यहाँ लिए मैंने 1 दालचीनी। तो सभी मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालेंगे अब मसाले। तो फ्राई पैन को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ हमारा फ्राई पैन है जो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डालें हम इसमें मसाले। तो सबसे पहले डालिए हमें लौंग और दालचीनी और राई, और अब डाला इसमें जीरा, और अब डाला इसमें अजवाइन, और अब डाली इसमें सौंफ। तो सभी मसाले को मैंने आधी छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच ही लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिया है मैंने मसाले। तो अब हम इनको रोस्ट करना शुरू करते हैं। तो रोस्ट हमें जब तक करने हैं जब तक मसाले में से खुशबू नहीं आ जाती, जब तक करने हमें, और ज़्यादा नहीं करने हैं। और इसको बिल्कुल भी जलाने नहीं है मसाले को, हमें धीमी गैस पर रोस्ट करने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे मसाले हैं जो रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से चटक रहे हैं, चटर चटर बोल रहे हैं। और गैस को हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखा है। तो हम इनको अब पीस लेंगे। ये देखिए मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ, और इनको हमें माम दस्ते में ददरा कूट के तैयार करना है। और आपके पास मिक्सी का जार हो तो मिक्सी के जार में भी इसको पीस सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए मसालों को खलबट्टे में कूट लिया है। यहाँ पे देखिए ददरा, ये देखिए इस तरीके से कूटा है। अब हम इसको निकाल लेंगे वापस मसालों को। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अब हम वापस से फ्राई पैन गैस पे चढ़ा देंगे, और फ्राई पैन में डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है, जब तक छोड़ना हमारा। तो यहाँ मैंने गाजर को देखिए यहाँ पे इसलिए नमक डाला था क्योंकि इसमें मीठापन होता है गाजर में। तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और इनको धो लेंगे हम वापस। ये देखिए इस तरीके से धोनी है हमें, और धो के इनको पंखे की हवा में सुखा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूती कपड़ा लिया है, और हम इनको सूती कपड़े में फैला देंगे। ये देखिए इधर मैंने ये सूती कपड़ा लिया है,
और इनको हमें अच्छे से पोंछना है ताकि कि पंखे में सुखाएं तो जल्दी से बिल्कुल ही पानी इनका सूख जाए गाजर का। तो यहाँ पर देखिए मैं ले चलती हूँ पंखे की हवा में, और बिल्कुल पानी सुखाना है हमें, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए मैं पंखे की हवा में सुखाकर गाजर को ले आई हूँ और मैंने थाली में रख लिया है इनको। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी पानी नहीं है, और आपका अचार जब भी अच्छा बनेगा पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गाजर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छे से सुखा लिया। तो यहाँ पे मेरा तेल है जो ठंडा हो चुका है, गुनगुना है। तो यहाँ पे मैंने हींग और काली मिर्ची पाउडर डाल दिया तेल के अंदर, और देखिए मैं ज़्यादा हाई गैस पे नहीं गरम कराया मैंने तेल। तो यहाँ पे देखिए तेल है जो हमने हींग और काली मिर्ची डाल दिए, और गैस को हमने धीमे ही रखा था, और मैंने यहाँ पे गैस को कर दिए बंद। अब इसको बिल्कुल ठंडा करना है हमें, तो हल्का सा गुनगुना हो तो चलेगा, तो मगर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए इतना ठंडा कराया मैंने, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है तेल में से छुन छुन मुनचुन की। देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं सारी गाजर को तेल के अंदर डाल दूँगी, और मैंने गैस से नीचे उतार लिया इसको, और तेल हमारा गरम बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। और आप अगर तेल गरम में डाल दोगे गाजर का अचार तो है ना ख़राब हो सकता है। तो जो मैंने मामदस्ते में मसाले बना के रखे थे, तो यहाँ पे मैं कुटे हुए मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुटे हुए मसाले हैं जो मिला डाल दिए गाजर के अंदर, ये देखिए इस तरीके से। और अब डालेंगे मैं इसमें कुछ मसाले, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, और अब डालेंगे इसमें नमक, और नमक डालने के बाद में डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिला लेंगे। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा ही देखें, आधा ना देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी भाई बहनों के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। और आप पूरा वीडियो देखोगे तो जब ही समझ में आएगी सारी चीज़ें, और बगैर देखे तो चीज़ें कोई समझ में नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी मसालों को अच्छे से मिला ले रही हूँ अच्छे से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाजर का अचार, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है अचार में। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बा लिया है, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का लिया है, और आपके पास कांच का हो तो उसमें भी डाल सकते हो, भर के रख सकते हो अचार को। तो मैं अभी यहाँ नहीं भर रही हूँ, मैं लूँगी एक थाली, और जो हमारा अचार गिरे डिब्बे में भरने से नीचे नहीं गिरे, थाली में ही गिरे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और डिब्बे को थाली के अंदर रख लिया है। अब बारी आती है अचार भरने की इसमें। तो चलिए यहाँ पे अचार को भरना शुरू करते हैं डिब्बे में। तो इस अचार की एक खासियत है, आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हो, कभी भी जाएं कहीं भी, और इसको पूड़ी पराठे चपाती किसी के साथ में खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है गाजर का अचार, और बहुत ही शानदार लगता है। आप इसको कभी कौन से भी मौसम में खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे में भर लिया है, अब मैं लगा दूँगी थोड़ा सा तेल और डालेंगे ताकि हमारे मसाले हैं जो और तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए, और गाजर। तो अब लगाऊँगी इसके ऊपर ढक्कन, और अच्छे से हिलाना है मैं ढक्कन लगाने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन को लगा दिया, और अच्छे से अब इसको हिलाना है, और हमें इसको अचार को रोज़ाना इसी तरीके से हिलाना है जब तक हमारा अचार बनके तैयार नहीं हो जाता, जब तक।
ये देखिए इस तरीके से हिलाना हमें, देखिए कितना अच्छा मसाले तेल सब अच्छे से मिल चुका है। और मैं आपको एक बार ढक्कन खोल के और दिखा देती हूँ। तो देखिए गाजर का अचार है जो कितना अच्छा बना है और बन के तैयार है। तो अपने घर पे बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए। तो मैं मिलती हूँ आपको।